कैसे हैं आप सब। दिस इज एडवोकेट प्रकुन शर्मा। गाइस आज हम बात कर रहे हैं लोन ऐप्स। लोन ऐप्स एक ऐसी समस्या हो गई है जो हमारे युवाओं को भीतर से खा रही है। गाइस इस वीडियो में मैंने आपको एक बात ऐसी बतानी है जो मुझे अभी पता चली है, क्योंकि मेरे पास कम से कम 30 से 35 कॉल इस केस से रिलेटेड आ रही हैं लोन ऐप्स की। जो अब इन्होंने नया काम इन्होंने करना शुरू करा है गाइस, ये बहुत ही गंदा तरीका है रिकवरी करने का। ठीक है, अब साफ साफ दिख रहा है कि रिकवरी एजेंट अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। ठीक है गाइस, इस वीडियो को आप पूरा देखना। इसमें मैंने जो मेरे नए क्लाइंट हैं उनके ऊपर जो बीत रही है बात है, जिन्होंने लोन ले रखा है ऐप्स के थ्रू, अब उनके ऊपर जो परेशानी का काला बादल छा रहा है ना, उसका उन्होंने मुझे बताया और मैंने आपको सोचा कि मैं आपको बताऊं। ठीक है गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो होने वाली है, क्योंकि जितनी भी हमने वीडियो बनाई उनसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। गाइज इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और गाइज कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम ज़रूर बताना। मेरी टीम का नंबर दिख गया है आपको, जो भी प्रॉब्लम आपकी है, जैसे भी आप हमसे अगर लीगल हेल्प लेना चाहते हो तो आप हमसे बात कर सकते हो गाइज। हम आपकी हर तरीके से मदद करेंगे, हर तरीके से आपको सॉल्यूशन देंगे गाइज। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, हम बैठे हैं आपके लिए गाइज। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना गाइज आपको, क्योंकि आपका छोटा भाई बड़ा भाई बहुत मेहनत करता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। ठीक है गाइज, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आइए, देखो यार, जो लोन ऐप्स एक ऐसी समस्या हो रही है जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। हमारे जो नौजवान हैं, जो युवा लड़के हैं, उनको बहुत परेशान कर रही है गाइज। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा लोग परेशान क्यों होते हैं इन चीज़ों से, जब आपको पता चली है कि हर तरीके से फेक है। ठीक है, कुछ ऐप रजिस्टर्ड है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं कुछ ऐसे ऐप्स की बात कर रहा हूँ जो गाली दे के, जो आपको गालियाँ दे रहे हैं रिकवरी के लिए। तो जो बंदा, देखो मैं आज आपका एक और डाउट क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, आपका जो बहुत लोगों का सवाल रहता है, बहुत लोगों की कमेंट रहती है मेरे पास कि सर जो रजिस्टर्ड ऐप हैं और अनरजिस्टर्ड ऐप हैं उनमें अंतर क्या है। देखो आज मैं आपको एक सीधी सी बात बता दूं गाइज, जो रिकवरी के लिए अच्छी तरीके से बात कर रहा है वो रजिस्टर्ड है, जो रिकवरी के लिए अच्छी तरीके से बात कर रहा है वो रजिस्टर्ड है, और जो रिकवरी के लिए गलत तरीका, जो गलत वे यूज़ कर रहा है, गालियाँ दे रहा है आप, गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है, गंदे गंदे मैसेज सेंड कर रहा है आपको, तो गाइज वो अनरजिस्टर्ड ही होंगे, क्योंकि वो फेक तरीका अपना रहे हैं आपसे बात करने का, आपसे पैसे निकलवाने का। ठीक है गाइज, अब मैं एक बात और आपको बता दूँ गाइज, जो इस टाइम बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया लोगों के लिए। अब रिकवरी वालों ने क्या करा है, वो नया तरीका, नया रास्ता ढूंढा है लोगों से पैसे निकालने का, लोगों से पैसे हड़पने का। उसमें क्या होता है गाइज, अब देखो ऊपर से हमें ये पता चल रहा है कि अब ऐप्स बंद हो रहे हैं। ठीक है, अब कुछ ऐप्स ऐसे हैं जो बंद हो गए, जिनका प्ले स्टोर पर नाम निशान नहीं है। तो गाइज ये जो है ऐप, जब ये ऐप ही बंद हो गए तो इनकी रिकवरी एजेंट जो आपको कॉल करके परेशान कर रहे हैं उसका क्या मतलब होता है। जब आपका ऐप ही बंद हो गया तो रिकवरी किस बात की। चलो मान लो रिकवरी है, आपका पैसा अगर जो पैसा दिया है तो लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने पैसा दिया है बोरोवर्स को तो उससे लोगे भी। ठीक है, मानता हूँ चाहे ऐप बंद हो गए, कैसे भी तरीके से आप लोगे, लेकिन अब जो नया तरीका इन्होंने जो नया रास्ता ढूंढा है गाइज, वो ढूंढा है इन्होंने क्या, ये लिंक भेजते हैं आपको, ये लिंक भेजेंगे आपको और उस लिंक पे कहेंगे कि इस पे आप पेमेंट करो। और जब आप वो लिंक खोलोगे ना गाइज, उसमें गूगल पे नंबर होगा, पेटीएम नंबर होगा, और वो जो नंबर होगा वो पर्सनली उस रिकवरी एजेंट का होगा जो आपको गालियां दे रहा है, आपको बात कर रहा है। ठीक है, तो करना क्या है आपको पता ही है, अगर आप उसका इलाज बांधना चाहते हो तो। ठीक है, क्योंकि गूगल पे जो होता है वो रजिस्टर्ड नंबर से होता है, तो
तो पर्सनल नंबर ही होगा क्योंकि बैंक में अकाउंट उसी नंबर से होगा। अगर आप उसका इलाज बांधना चाहते हो तो गाइज आप समझ गए होंगे आपको करना क्या, ठीक है। मैं इस टॉपिक पर बात नहीं कर रहा कि उसका इलाज कैसे बांधना है क्या करना, ठीक है। मैं आपको एक सीधी सी बात बता रहा हूँ गाइज कि लोन ऐप्स वाले जो रिकवरी एजेंट हैं, रिकवरी एजेंट मत बोलो ना, क्योंकि रिकवरी एजेंट इन्हें बोलना, नॉर्मल जो रिकवरी एजेंसी चला रहे हैं उन लोगों के लिए गलत वर्ड यूज़ करने वाली बात है। तो ये रिकवरी वाले गुंडे हैं ये, ठीक है, गुंडे ही मत बोलो क्योंकि गुंडे तो दिख के लड़ते हैं। ये क्या बोलो यार, छोड़ो मैं वीडियो में हूँ तो बोलना गलत ही है। गाइज देखो सीधी सी आपको बताऊँ, ये क्या कर रहे हैं, अब आपको ये लिंक भेज रहे हैं, उस लिंक पे बोल रहे हैं कि आप उस लिंक पे पेमेंट करो। मैं आपको बता दूं, वो जो आप पेमेंट कर रहे हो जो इनके लिंक पे, जो भी लोग जिन उन लोगों ने पेमेंट कर दी है, ठीक है, या करने वाले हैं, तो पहले इस वीडियो को देख लेना आप, तभी पेमेंट करना गाइज। और ये जो लिंक में आप पेमेंट कर देते हो, ये पैसे कहां जाते हैं, ये जो पैसे जाते हैं गाइज, ये उस बोरोवर की, वो सॉरी जो एजेंट है जो आपको कॉल करके परेशान कर रहा है, आपको गालियां दे रहा है, आपको गंदे गंदे मैसेज शेयर कर रहा है आपको फेक नंबर से, ये उसकी जेब में जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यार लिंक भेज रहे हैं अपना, अरे जब तुम्हारा ऐप बंद हो गया तो पैसे देने का मतलब ही नहीं, जिन जिनका ऐप्स बंद हो गया उन्हें पैसे देने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। फिर भी आपके खिलाफ देखो यार लीगल एक्शन, अब बात देखो, एक कमेंट आई थी हम पे कि सर लीगल एक्शन क्या रिकवरी एजेंट्स ले सकते हैं। यार देखो, अगर उस बंदे ने पैसे दिए हैं आपको, अगर उस बंदे ने आपको पैसे दिए हैं तो वो लेने का हकदार है, क्योंकि आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके पास, आपके जो हैं आधार कार्ड पैन कार्ड वो उनके पास हैं, तो वो बॉस पैसे लेने का हकदार है। तो मैं ये नहीं कहता कि भाई अगर आपने पैसे नहीं दिए तो कुछ प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, क्योंकि यार देखो लॉ सबके लिए है, ठीक है, वो गलत काम कर रहे हैं उसकी सजा उन्हें मिलेगी, ठीक है। बट यार अपने आप को सेफ करते चलो, RBI को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लेंट करो, ठीक है। अब तो RBI भी आगे आ रहा है सब में, आप जितनी भी हो जल्दी हो सके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कंप्लेंट करो। अगर आपको कमेंट करने नहीं आती है तो गाइज आप हमारी मेल आईडी, हमारी नंबर, हमारे टीम्स का नंबर, हमसे बात कर सकते हैं, हम आपको सॉल्यूशन बता देंगे, ठीक है। क्योंकि RBI में कंप्लेंट डालना मस्ट है गाइज, ठीक, क्योंकि यार देखो सीधी सी बात है, जो पैसा देता है वो लेने का अधिकार भी रखता है, ठीक। देखो हमारा पैसा देना या ना देना वाली वो मैंने वीडियो बनाई है, वो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख लेना, ठीक है। आज मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। देखो बहुत सारी वीडियो मैं देख रहा हूँ जो तरह तरह की वीडियो डाल रहे हैं लोग, क्योंकि व्यूज अच्छे आ रहे हैं लोगों के लोन ऐप्स डाल वीडियो पे। देखो गाइस मैं एक बात बता दूं, भेड़ चाल मत चलो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पैसे दिए हैं तो लेने का अधिकार उनका है, अगर उन्होंने आपको पैसे दिए हैं, ठीक है। तो किसी के कहने पे मत चलो, अपना दिमाग यूज़ करो, अगर कोई अच्छा सा वकील आपके पास हो उनसे गाइड, उनसे कंसल्ट करो, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई वकील अच्छा सा नहीं मिल रहा, आप मेरी टीम से बात करो, ये रहा मेरा नंबर, आप हमसे बात करो डायरेक्ट, मेरा नंबर लो, मुझसे बात करो, ठीक है गाइज। पूरा किसी वकील से नॉलेज लेके ही करना, कि ये मत सोचना कि पैसे ले लिए देंगे नहीं, क्योंकि अगर पैसे ले रहे हो तो देने भी चाहिए गाइज, ठीक है। हमारा मोटिव ये नहीं है कि पैसे दे हो या ना दो, ठीक है, हमारा मोटिव सिर्फ ये है कि रिकवरी एजेंसी जो चल रही है, रिकवरी एजेंट जो हैं ये गलत काम कर रहे हैं। और देखो गाइज सीधी सी बात है, अगर कोई बंदा हमारे अधिकारों का हनन करेगा तो पैसे तो भूल जा भाई, ठीक है। बट लेकिन यार वही बात आ जाती है, अब देखो हम टॉपिक से भटकने नहीं चाहिए गाइज, मैं आपको सिर्फ ये बात बताने आया था कि अब इन्होंने जो लिंक भेज रहे हैं आपको, जो ये लिंक भेज रहे हैं उस पे लिंक पे पेमेंट मत करना, क्योंकि वो जो पेमेंट आप करोगे वो सीधा रिकवरी एजेंट की जेब में जा रही है, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग परेशान हो रहे हैं जो इसमें पेमेंट कर दिया, अभी कल परसों हम पे एक कॉल आई थी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने पेमेंट कर दी, उन्होंने लिंक, रिकवरी एजेंट ने लिंक भेजा, ठीक है, उस बंदे ने, उस भाई ने पेमेंट कर दी इनकी, तो जो पेमेंट करके जो इनके जो ऐप्स पे जो पैसे अमाउंट दिखाता है वो ही दिखा रहा था, ठीक है। तो सीधी सी बात है गाइज, आप जो इन्हें पेमेंट कर रहे हो वो सीधा सीधा रिकवरी एजेंट की जेब में जा रहा है, चाहे 2000 हो, 10000 हो, 20000 हो, 5000 हो, जितना भी हो, आप लिंक से पेमेंट मत करो,
ठीक है, अगर फ्यूचर में अगर पेमेंट उनके कस्टमर केयर को कॉल करो, उनसे पूछो, वो बताएंगे आपको, ठीक है गाइज। और एक बात और बता दूं गाइज मैं आपको, जो भी आप देखो यूट्यूब पे बहुत वीडियो दे पड़ी हैं लोन ऐप से रिलेटेड, बहुत लोगों ने ये डाल रखा है कि पैसे दो या मत दो, कैसे भी है, ठीक है गाइज, किसी अच्छे से वकील से, एडवोकेट से सलाह करके ही इनसे सुलझना, किसी के कहने पे मत करना कि भाई हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अभी मैं आपको एक बताता हूँ, अभी एक किसी की वीडियो देख ली होगी, उस बंदे ने, मैं नाम नहीं खोलना चाह रहा यहाँ पे, उस बंदे ने मुझे कॉल करी, हमारी टीम से बात करी, उन्होंने मेरा नंबर लिया, उनका केस थोड़ा अपर हो गया था, 3.5 लाख रुपए का मैटर हो गया था लोन का, ठीक। तो उस बंदे ने क्या कहा उनसे कि भाई ऐप्स अनरजिस्टर्ड हैं तो मत देख, कुछ नहीं होने का, ये नहीं होने का, वो नहीं होने का। गई देखो अच्छी बात है कुछ नहीं होने का, वो तो बात अलग है, लेकिन यार जब 2 लाख के भी ब्याज मार रहे हैं, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, जब 6 लाख दिखता है ना कि भाई मेरे सर पे 6 लाख कर्जा है, तो बहुत परेशान आप होते हो, सलाह देने वाला परेशान नहीं होता। तो इसीलिए गाइज मैं आपसे यही कहूँगा कि आप एक अच्छे से वकील से सलाह लेके बात करो, तभी लोन ऐप्स के मैटर में आगे बढ़ना कि पैसे पे करने हैं नहीं करने, ठीक है। मैं अगर आपके कोई वकील आपका जानने वाला नहीं है तो हमारी टीम से बात करो, मेरी टीम का आपको नंबर दिख गया है, ठीक है। मेरे टीम में मेरे प्रोफेशनल एडवोकेट्स हैं, हम जो सरफेसियल रिकवरी की प्रैक्टिस में हैं, ठीक है। अगर उनसे भी केस नहीं सॉल्व होगा तो हम बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं है गाइज, हम आपका हर तरीके से सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। और जो भी ये लिंक है ना गाइज, इसमें कुछ करो ही मत, लिंक पढ़ा ही रहने दो व्हाट्सएप पे अगर आ रहा है तो, क्योंकि इसमें आप पेमेंट करोगे वो सीधा रिकवरी एजेंट की जेब में जाएगा, ना तो वो आपका लोन उतरेगा, ना वो ब्याज उतरेगा, ना वो कुछ उतरेगा, वो सिर्फ रिकवरी एजेंट की जेब गर्म करेगा, ठीक है गाइज। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करके सबको दिखाना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है सबको बताना कि लिंक किस तरीके से भेज रहे हैं, ठीक है। कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम हमें बताना, हमें अपनी प्रॉब्लम बताओगे आप तभी हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे गाइज, ठीक है। कोई भी टेंशन लेने वाली बात है नहीं, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है कि आप बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आपको तो आपको मेरी टीम का नंबर दिख रहा है गाइज, मुझसे आप बात करो डायरेक्ट, आप व्हाट्सएप पे मेरी अपॉइंटमेंट लो और मुझसे बात करो, मैं आपके लिए हर तरीके से सॉल्यूशन बताऊंगा, हर तरीके से आपकी मदद करूंगा, ठीक है गाइज। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मुझे आज्ञा दीजिए, और आप मेरे साथ जुड़े हैं इसके लिए बहुत बहुत गाइज, दिल से धन्यवाद।